हाय एवरीवन, जान लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटीज़ क्या हैं। यहाँ मैं उनके कुछ नेचर, उनकी पर्सनालिटी के बारे में आपको शेयर करूँगी। सो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप अपने पार्टनर या फिर फ्यूचर पार्टनर और इवन अबाउट योर हस्बैंड और वाइफ की एनर्जी को चेक कर सकते हैं कि क्या वो आपके सोलमेट कनेक्शन है। सो हेयर वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द टेन ऑफ सॉर्ड। ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस जो आ रहे हैं या फिर आपके स्पाउस, उनकी एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ड्रेस्टिकली काफ़ी ड्रामेटिक दिख रही है। मीन्स पॉजिटिव भी है, लेकिन हाँ, इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। ये पर्सन हाइट वाइज टॉल होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस टॉल होंगे और ये स्लिम बॉडी दिख रही है इनकी एंड वेरी वेरी यू नो गुड इन फिजिकल स्ट्रेंथ। इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। ये बहुत ऐसे पर्सन नहीं दिख रहे हैं कि बहुत ही लीन है, बहुत ही कमज़ोर है और बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है। ये पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, पर्सनैलिटी काफ़ी एक्टिव होगी। एज वाइज ये बिल्कुल सिमिलर एज के दिखेंगे जो इनकी एज है। ऐसा नहीं होगा कि ही लुक ओल्डर और शी लुक ओल्डर और यंगर दैन हिज और हर एज। अलॉन्ग विद दिस, यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगा और ये हमेशा कन्फ्यूज रहने वाले पर्सन दिख रहे हैं बिटवीन टू एंड मोर ऑप्शंस। ये करें या वो करें, ऑप्शंस में कंफ्यूजन इनका हमेशा बना रहना है। बट ट्रैवलिंग पसंद है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग इनको बहुत पसंद होगी, तो ये एक साथ ही दूर तक की सोचने वाले पर्सन दिख रहे हैं। ये नहीं कि लिविंग इन प्रेजेंट ओनली, ही एंड शी वुड लव टू प्लान फॉर फ्यूचर फॉर लॉन्ग टर्म। इनको लॉन्ग टर्म की चीज़ें फाइनलाइज होते हो देखना चाहिए, मतलब ये चाहते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड, ये एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके स्पाउस पार्टनर जिनको पास्ट में बहुत बार धोखा मिला है और उसी का रीज़न है ये अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी टायर्ड रहते हैं, क्योंकि पास्ट की चीज़ें ऐसी रही हैं, वो धोखा हो, वो कोई फेलियर हो, वो कोई रिजेक्शन हो, जिसकी वजह से ये कई बार यू नो डाउनफॉल आया है। कई बार इनकी लाइफ में इनको वापस से मोटिवेट करके ये उठे हैं और उतने ही प्रॉब्लम्स में गए भी हैं। सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यू नो इनकी लाइफ की कुछ एक्सपीरियंस हैं जो यहाँ पे सिंबलाइज हो रहे हैं। ओवरऑल स्किन टोन की बात की जाए तो ये यहाँ पर इनकी एक इंडियन स्किन टोन आ रही है, दैट इज़ नॉट कमिंग टू डार्क और टू वाइट, इट्स लाइक व्हीटिश। एंड पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो इनको फॉर्मल्स या काफ़ी ज़्यादा सेटल कलर पसंद होंगे, नॉट वेरी फंकी। सो दिस इज़ ऑल। और एंगर्डनेस एंड एक्टिवनेस एंड स्पॉन्टेनियस इनके अंदर बहुत दिख रहा है, तो बहुत क्विकली रिएक्ट करना, बहुत क्विकली चीज़ों को बताना या फिर यू नो डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी से ले लेना, ये भी इनके नेचर का पार्ट है। सो आई होप दिस इज़ रेजोनेटिंग विद यू। सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बाय।